तो नमस्कार, मैं कबीर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल जनता का आईना में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एनवायरनमेंट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो इस लॉकडाउन में हैं, अपने घरों में बैठे हैं, और मुझे कुछ बातें याद आई। मैं बैठकर जरा चीज़ें सोच रहा था साइंस के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। तो मुझे ये पता चला कि हमारी जो धरती है वो कई सालों पहले जो है शुरू हुई, और बहुत सारे साइंटिस्ट आए इस बीच में। उन्होंने कई सारी थ्योरी बताई। पहले लोग सोचते थे कि अर्थ फ्लैट है, फिर किसी ने एक नींव रखी कि हो सकता है कि धरती जो है वो गोल हो। तो इस तरीके की बहुत सारी थ्योरी आई, और कई साइंटिस्ट को और जो उस टाइम के सिस्टम को कि हाँ ये चीज़ है, अर्थ फ्लैट है, तारे हैं और आकाश है, अर्थ जो है पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में है और सूरज चांद सारे सब उसके आसपास घूम रहे हैं, ये तब की जो एक थिंकिंग थी, सीमित थिंकिंग थी। वो थिंकिंग के बाहर जो लोग जाने की कोशिश किए, उन लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वो सही था, वो बहुत गलत था। हर किसी को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए, पर उस टाइम पे जो है ये सब चीज़ों के बारे में इतना ह्यूमन अवेयर नहीं था, और काफ़ी गलत चीज़ें की गई उन साइंटिस्ट के साथ। अगर वो साइंटिस्ट की बातों पर ध्यान दिया जाता और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट और आते, एक साइंटिस्ट ने एक चीज़ का नींव रखा तो उसके साथ साथ आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आ जाते। तो एक साइंटिस्ट का अगर बात हम सुन लेते, कोई भी एक साइंटिस्ट की, तो वहाँ से जो है इंडस्ट्रियल एज शुरू होता। चाहे हम साइंस को जानते हैं, जानने लगते हैं, पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, साइंस को जानना ये सही बात है, पर साइंस को जान के धीरे धीरे, साइंस तो हमारे साथ है, तो अब हम साइंस को लेकर हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकते हैं, हम जो है पहाड़ों को खोद सकते हैं, अपने लिए हम इस धरती का विनाश कर सकते हैं। ये जब थिंकिंग आ गई तो फिर विनाश होना शुरू होता है। तो अगर उस समय पर ये थिंकिंग आती तो उस समय से विनाश होना शुरू होता। आज के समय से विनाश होना शुरू हो रहा है तो उस समय से होता, और धरती जाके मर जाती थी। इसलिए जैसे ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, साथ साथ मैं कहता हूँ डिस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन भी शुरू होने लगा। तो ये सब चीज़ें हुई। तो मेरा मतलब कहने का इतना ही मतलब है कि पहले अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होता, पहले अगर उद्योग सब शुरू होते तो, और ये सब डिस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन शुरू होता, तो हमारी धरती का जो एज है वो कम हो जाता था। और जैसे आज वो जो है तेज़ी से कम हो रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने ये क्या कर दिया कि तेज़ी से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हमने ये क्या कर दिया कि तेज़ी से समुद्र का लेवल जो है वो ऊपर आने लग रहा है, आइस मेल्ट हो रही है अंटार्कटिका में, ये इतना तेज़ी से क्यों हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था अभी ये डिस्ट्रक्शन रेवोल्यूशन शुरू तो हो गया, ये एक टाइम पर आ गया, पर अब हमें जो है खुद को बदलना है। अब हमें जो है साइंस को तो अपनाना है, पर साइंस में भी नेचुरल साइंस, और ऐसी साइंस पे फोकस करना है जो साइंस हमारे साथ साथ नेचर को भी लेकर चले, पूरी सृष्टि को लेकर चले। उस तरीके के साइंस को हमें अब अपनाना है इसके आगे। ये मैं नहीं कहता हूँ कि हम तुरंत ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से एकदम नेचर के पास आ जाएंगे और नेचुरल चीज़ें करने लग जाएंगे और डिस्ट्रक्शन कम हो जाएगा। जो कार्बन हमने एमिट किया है वो कार्बन कई हजारों सालों तक वो इस धरती पर रहेगा, पर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि आगे हम और डिस्ट्रक्शन नहीं करें। तो इसके लिए मेरा तो यही कहना है कि जिस तरह से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, अब हमें एक नेचुरल रेवोल्यूशन शुरू करना है। हमें आगे उठकर नेचर के बारे में सोचना है कि आप कुछ भी काम करें, आपको एनवायरनमेंट के बारे में सोचना ही है, और एनवायरनमेंट को साथ साथ लेकर जाकर ही आपको काम करना है। पिछले कुछ 200-300 सालों में ये सारी चीज़ें हुई, अब हमें जो है
ये चीज़ें जल्द से जल्द रोकनी है, रोकनी इन द सेंस कि अगर हम कहते हैं चलो हमें रोकना है तो हम कैसे रोकेंगे, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ एकदम रोक देंगे, हमें जो है धीरे धीरे चीज़ें करनी पड़ेगी और हमें उजागरता फैलानी होगी कि ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसे हमें रोकना है और ये जो पैसा है, ये सारी जो लग्जरी है, ये सारी चीज़ें तो एक साइड में है, जब तक हम जहाँ है, हम जहाँ खड़े हैं वही अगर नहीं बचेगा, हम जो हवा जो है सांस ले रहे हैं अगर वही नहीं बचेगा तो हमारी लग्जरी किस काम की, हमारे पास शुद्ध हवा नहीं है तो फिर ये एयर प्यूरिफायर्स लगाकर और वो डिस्ट्रक्शन से ही बनी हुई चीज को लाकर हम जो है कितना एनवायरनमेंट को सही करेंगे। अब एनवायरनमेंट के नज़दीक आना होगा, हमें ये चिंतन करना है बैठ के, अरे नहीं ये जो टेबल है, ये कुर्सी है, ये बहुत बहुत ये धरती को नुकसान पहुंचा के ये कुर्सी आई है, ये टेबल आया है, ये कैमरा आया है, हमें ये कोशिश करना है अभी स्टार्टिंग फेज में कि जो चीज़ है हम उसको अपनाएं और जो हम कहते हैं कि चलो ये चीज़ ख़राब हो गई नई चीज़ खरीदो, नहीं हमें उस चीज़ रिपेयर करना है, रिपेयर करके हमें उस चीज़ को जो है वापस से इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो ख़त्म नहीं हो जाती है, वो धरती पर ही रहती है, उसका कचरा धरती पर ही रहता है। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये कुर्सी भी कचरा है, ये टेबल भी कचरा है, ये कैमरा भी कचरा है, पर वो हमारे उपयोग में आ रहा है इसलिए अभी तक कचरा नहीं है। जब वो हमारे उपयोग से हट जाता है तो वो कचरा हो जाता है। वैसे ही एक प्लास्टिक है, एक प्लास्टिक में आप जो है चिप्स खाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, आप कुछ भी खाते हैं, आप जो है सारी चीज़ें खा लेते हैं, आप जो है कूड़े में फेंक देते हैं उस रैपर, तो जब तक वो रैपर के अंदर चिप्स है तब तक रैपर का भी महत्व है, और जैसे चिप्स ख़त्म हो गई आपके पेट में चला गया, आपके लिए खुशी हो गई, आपका सेटिस्फेक्शन हो गया, तो आपने वो पेपर वो प्लास्टिक आपने फेंक दिया। तो ये हर एक चीज़ के बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरफ हम जा रहे हैं, हम सब अपने कामों की तरफ जा रहे हैं, हम अपने लिए काम करें इस तरफ जा रहे हैं, हमें ये चीज़ें सोचनी होगी कि हम किस तरह के डिस्ट्रक्शन के तरफ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं जो है जैसे जैसे बड़ा हूँगा मुझे भी ये याद रखकर चलना पड़ेगा कि हर एक चीज़ का महत्व है और हर एक चीज़ को हमें अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है, तो हमें भी ये सब चीज़ों पर चिंतन करना पड़ेगा, हमें ये सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। ये सारी बातें जो है बतानी ज़रूरी है, हम जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब आ सकते हैं हम, जिस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। अगली बार मैं और अच्छी तरह से चीज़ों को समझ के आपके सामने आऊँगा, तो आज के लिए इतना ही, मेरा आपसे यही कहना है कि आप हर एक चीज़ को समझिए, आप जो है खुद से सवाल पूछिए कि कोई चीज़ हमारे लिए उपयोग में आती है तो वो अच्छी है और उपयोग से चली जाती है तो क्या वो ख़राब हो गई, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो चीज़ एनवायरनमेंट को कितना नुकसान करेगी, वो चीज़ ज़मीन में दबी रहेगी और ज़मीन को ख़राब करती रहेगी। ये बड़े प्रोसेस को हमें इस लॉकडाउन में अपने फ्री टाइम के अंदर कभी भी हमें इस चीज़ को सोचना है।